विज्ञान मानता है कि इस ब्रह्मांड की निर्मिति की ना बहुत सारी थ्योरीज है विज्ञान के पास, लेकिन दो ऐसी थ्योरीज है जो प्राथमिक रूप से विज्ञान मानता है, जो चलित है, पॉपुलर है बहुत ज्यादा। एक द बिग बैंग और दूसरी है द स्टेडी स्टेट थ्योरी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो स्टेडी स्टेट थ्योरी अध्यात्म मानेगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट थ्योरी मानता ही नहीं है कि कभी कोई ओरिजिन था। स्टेडी स्टेट मानता है कि ऐसा ही है। दूसरी एक थ्योरी है जो इस पूरे के पूरे थ्योरम को आगे बढ़ाती है ज्योतिष शास्त्र के, और वो है क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो बाय थ्योरम वन, बाय बिग बैंग, बाय क्वांटम एंटेंगलमेंट एंड बाय सिंक्रोनिसिटी ज्योतिष शास्त्र इसमें प्रूव। मैं आपको विज्ञान की उन तीन थ्योरीज के बारे में अंतिम बता दूं कि जिसके कारण ये प्रूव होता है वैसे ही कि ज्योतिष शास्त्र का। विज्ञान मानता है कि इस ब्रह्मांड की निर्मिति की ना बहुत सारी थ्योरीज है विज्ञान के पास, लेकिन दो ऐसी थ्योरीज है जो प्राथमिक रूप से विज्ञान मानता है, जो चलित है, पॉपुलर है बहुत ज्यादा। एक द बिग बैंग और दूसरी है द स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये जो बिग बैंग है इसमें ऐसा कहा गया है, और ये बिग बैंग का हुआ भी ऐसा कि द हबल नाम का एक साइंटिस्ट था। हबल साइंटिस्ट जो था वो एक टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेटरी में काम करता था। उसने 5 सालों तक स्टडी की और उसने ये पाया कि हजारों स्टारों को वो रोज रात देखते रहते। 5 साल की स्टडी के बाद उसे पता चला कि ये जो तारे हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई आप गुब्बारा ले, उस पर थोड़े थोड़े डॉट मारे और उसको फुलाए, वो कैसे एक दूसरे दूर जाएंगे। ये उसी तरह से कि ये पूरी आकाशगंगा है, तारे एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं व्याप्त। तो उसने ये पाया कि कभी ना कभी ये एक जगह पे भी होंगे। अभी फैल रहे हैं, इसका मतलब कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये एक जगह पे होंगे। तो उसने कहा कि भाई 13.8 ट्रिलियन ईयर एगो, अंदाजा निकाला, बिलियन ना, ट्रिलियन, ट्रिलियन, बिलियन ना, ट्रिलियन, 13.8 ट्रिलियन ईयर्स एगो एक छोटे से अणु के साथ ही इसकी शुरुआत, क्योंकि अगर ये बड़ा है तो कभी ना कभी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और एक छोटा सा अणु था जिससे ये पूरा फटा, पूरे ब्रह्मांड की निर्मिति हुई। इस तरह का एक सिद्धांत है द बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी की मजे की बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलेटर जो सर्न है, CERN, जो अभी स्विट्जरलैंड में है, जिनेविया में उसका मेन सेंटर है, ये 27 किलोमीटर की ऐसी गोल परिधि में बैठा हुआ है जहाँ पर इसके सिद्धांतों के ऊपर ही रिसर्च होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलेटर है जहाँ पे 2 प्रोटॉन बीम्स को एक दूसरे पर छोड़ा जाता है, वो कोलाइड करते हैं और उसमें से जो पूरी की पूरी ऊर्जा निकलती है उसके हिसाब से ब्रह्मांड की रचना को स्टडी किया जाता है। ये एक थ्योरी। दूसरी स्टेडी स्टेट थ्योरी ये है, वो मानती है कि ना ब्रह्मांड कभी बना ना मिटा। हाँ, बिग बैंग के बारे में और एक चीज, बिग बैंग के हिसाब से जो भी चीजें निर्मित है, या जिस तरह से कहा जाता है कि हाइड्रोजन, मतलब जब ये बना, ये बिग बैंग बना, जब ये बिग बैंग हुआ तब तो हाइड्रोजन पार्टिकल चल गए। तो उसकी खोज के लिए ही इस तरह के जो नए नए इक्विपमेंट्स है ये पृथ्वी अंतरिक्ष में भेजती। अभी जो रिसेंट डिस्कवरीज यही जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की, वो ये की, उसने पता किया कि ऐसी कुछ गैलेक्सीज है वो इतनी पुरानी है जब बिग बैंग हुआ। इसका दो मतलब है, एक तो बिग बैंग अभी हुआ ही नहीं, या बिग बैंग उससे भी पहले हुआ जितना हम पुराना समझते हैं। अभी जो रिसेंट फोटोग्राफ्स जेम्स वेब ने भेजे नई गैलेक्सीज की या पुरानी गैलेक्सीज की, इसके हिसाब से तो कहने की बात यह है कि इस बिग बैंग जब निर्मित भी हुआ तो उसके पहले क्या था। तो बिग बैंग मानता है कि ये चलता ही है, एक अणु फूटता है, ये बड़ा होता है, व्यापक होता है, एक अपनी परिधि तक पहुंचता है, वापस छोटा होता है, वापस एक केंद्र पर आता है, वापस से फूटता है, ये ऐसे ही शुरू रहता है। सिर्फ बिग बैंग थ्योरी का मानना है। बिग बैंग थ्योरी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को भी एक्सेप्ट करती है, जिसमें कहा गया है कि मैटर निर्मित नहीं होता, पूरा का पूरा जितना भी मैटर, जो भी कुछ है इस ब्रह्मांड में, वो उसी क्षण से ही उसके साथ था। दूसरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये स्टेडी स्टेट थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो मानती है कि ऐसा कुछ निर्मित वगैरह कभी हुआ नहीं, ये ब्रह्मांड ऐसे ही था, बस था। एक दूसरे ब्रह्मांडों से इस ब्रह्मांड में ऊर्जा फेंकी जाती है, कम की जाती है, इसी तरह से इसका कम ज्यादा होना होते रहता है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई कोलाइड होगा या खत्म। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो स्टेडी स्टेट थ्योरी अध्यात्म मानेगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट थ्योरी मानता ही नहीं है कि कभी कोई ओरिजिन था। स्टेडी स्टेट मानता है कि ऐसा ही है, ना इसकी निर्मिति है ना अंत है, ये तो दो ब्रह्मांड एक दूसरे में खुद को बैलेंस करते हैं। ब्लैक होल कहीं से खींचता है और व्हाइट ड्वार्फ कहीं से उसी एनर्जी को बाहर निकालता है, फिर समय के साथ दूसरे कहीं से उस ब्रह्मांड से ऊर्जा ली जाती है, दूसरे कहीं डायमेंशन पे फेंकी जाती है, इस तरह से इस एनर्जी को संचालित रखा जाता है।
और ध्वनि के द्वारा इस ब्रह्मांड की निर्मिति है। अध्यात्म भी इसी चीज को मानता है। अध्यात्म मानता है कि ध्वनि से ही, चाहे वो कोई भी धर्म हो, वही मानता है कि ध्वनि से इस ब्रह्मांड की निर्मिति और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को स्टेडी स्टेट थ्योरी में मानता है। वो ये मानता है कि ये ब्रह्मांड में जितना भी मैटर अवेलेबल है, जो एनर्जी अवेलेबल है, वो कहीं आए नहीं है, वो यही थी, अलग फॉर्मेट में होगी, वो बस अपना रेशियो कन्वर्ट करती है। मतलब आज तारा था, बड़ा तारा, जो स्टार्स की जो निर्मिति है वो भी वैसी है, कोई नेब्यूला करके एक क्लाउड पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिससे तारे की निर्मिति होती है, और उस तारे की भी अपनी एक जीवन लाइफस्टाइल है। तो पहले प्रोटो स्टार बनता है, फिर मेन सेवन स्टार, फिर साइज के हिसाब से जायंट रेड स्टार और सुपर रेड आ गया है। तो ये उसका चलता रहता है, फिर वो तारा फूटता भी है, सुपरनोवा भी बनता है। मतलब ऊर्जा जो है वो यही से निर्मित है, यही पे रहेगी, जो उसके जो वे ऑफ लुकिंग है, जो मैटर है, वो अपना आकार बदल सकता है, पैटर्न बदल सकता है। ये समझ गए, ये पहली थ्योरी होगी। इस पहली थ्योरी में इतना ही समझना कि विज्ञान ये मान चुका कि मैटर कन्वर्ट होता है, वो क्रिएट नहीं होता, बनता नहीं है कहीं से, नथिंग से बनता नहीं, वो ऊर्जाओं से बनता है और फिर दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ऐसे ही समझना कि हमने कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई, वो इस पंखे में आई मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा, फिर ये विंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ये विंड एनर्जी कहीं पे लगकर साउंड एनर्जी क्रिएट करेगी, ये ऐसे चलते रहता है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं। दूसरी एक थ्योरी है जो इस पूरे के पूरे थ्योरम को आगे बढ़ाती है ज्योतिष शास्त्र के, और वो है क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी। क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो नवीनतम है और रिसेंटली प्रूव्ड है। वो थ्योरी ये है कि विज्ञान ने यह पता किया कि ये पूरा ब्रह्मांड अगर एक अणु से बना है तो वो स्प्लिटिंग से बना है, जिस तरह से माँ के गर्भ में बच्चा स्प्लिटिंग से बनता है। मतलब वीर्य का एक ही कण धीरे 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 सेल्स को जनरेट करते जाता है, बॉडी को बनाते जाता है, अंदर के अंदर पूरा शरीर तैयार हो जाता है। हमारे शरीर में भी जब हम जन्मते हैं तो शरीर छोटा रहता है, कहते भी है ना कि कुछ 309 हड्डियां होती है, फिर बड़ा होते होते हड्डियां कम हो जाती है, सेल्स की जनरेशन हो रही है। उसी तरह से ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना, उस ब्रह्मांड में जो अणु थे वो टूटे एक दूसरे से ऊर्जा के कारण, और अणु बने, और अणु बने, और अणु। लेकिन समस्या ये है, विज्ञान ने ये पता किया कि जब एक इलेक्ट्रॉन टूटता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, चाहे वो अपना कितना भी डिस्टेंस पे हो एक दूसरे से, फिर भी वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक के साथ कुछ भी गतिविधि हो, दूसरा चैनलाइज हो जाए, एक के साथ कुछ भी होता है, दूसरा हिलने लगेगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड थिंग है। क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी अगर नहीं समझी या समझना चाहते हो तो गूगल कर लेना, बाद में थोड़ा और इस पे डिटेल तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन पूरे के पूरी थ्योरी का इतना ही आयाम है कि अगर किसी भी अणु को स्प्लिट किया जाए, किसी भी एटम्स को स्प्लिट किया जाए, और कितने ही ब्रह्मांड के दो छोरों पर उन्हें लेके जाया जाए और एक को हिलाया जाए, एक के साथ जो गतिविधियां होगी कॉन्स्टेंटली, दूसरे के साथ भी वही गतिविधि शुरू। मतलब एक पहली चीज कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ही अणु से निर्मित है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ किस तरह से है कि ये जो अणु टूटे और इन्हीं अणुओं से बाकी का ब्रह्मांड बना, ये हमेशा एक दूसरे से जुड़कर रहे। और तीसरी चीज जो मैं पहले ही बता चुका, वो है सिंक्रोनिसिटी। इसका मतलब है कि बड़ी चीज छोटी चीजों को कंट्रोल करता है। अगर उसमें बड़ा मैग्नेट है तो तुम्हारे शरीर के छोटे मैग्नेट को वो कंट्रोल करेगा। अगर वहां एक बड़ा आयन का पूरा गोला रखा है तो तुम्हारे शरीर के छोटे से आयन के केंद्र को वो कंट्रोल करेगा। इन थ्योरीज के हिसाब से ही, जैसे हमने ज्योमेट्री में सीखा है ना, चलता है ना, बाय 1, 2 एंड 3 द थ्योरम प्रूव्ड। तो बाय थ्योरम 1, बाय बिग बैंग, बाय क्वांटम एंटेंगलमेंट एंड बाय सिंक्रोनिसिटी, ज्योतिष शास्त्र इसमें प्रूव्ड, साइंटिफिकल एक्सपेरिमेंट। तो अगर इन थ्योरम्स के बारे में और पता करना है तो थोड़ा खुद से पता करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए मैंने ज़्यादा डीप में बताया। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है ब्रह्मांड की निर्मिति और ब्रह्मांड के रचना के संबंध में। पहली है बिग बैंग, दूसरी है क्वांटम एंटेंगलमेंट और सिंक्रोनिसिटी। अगर इन थ्योरम्स को हमने एकत्रित किया तो हम पाएंगे कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड एक अणुओं से बना है, और ये अणु जब निर्माण कक्षा में थे, एक दूसरे टूट भी रहे थे, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो एक ही अणु से बना है,
एक ही निर्मिति की शक्ति से बना है, ये एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ा भी है। तो एक बड़ी चीज दूसरी छोटी चीज को कंट्रोल करेगी, एक के साथ हुई गई किसी भी तरह की गतिविधियां दूसरे के जीवन को प्रभावित जरूर करेगी। और ये तो हो गई ऊंची बात, मतलब ये तो हो गई स्पेस साइंस की बात। बड़े बड़े हम फोर मैटर्स को स्टडी कर रहे हैं, है ना, हम कहते हैं ना कि भाई देर आर फोर टाइप्स ऑफ एनर्जी, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन सच्चाई ये है कि 22 है, 22। तो ये तो हो गए बड़े बड़े चीजों के बारे में। अगर अणु के लेवल पे भी बात किया जाए, एटम के लेवल पे भी बात किया जाए विज्ञान की शाखाओं में, तो तुम पाओगे कि एक अणु जिसको हम जानते हैं स्कूल में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बराबर इतना ही हम जानते हैं, इसके डीप नहीं जानते। लेकिन मैं आपसे कहूँ अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन के भी ले लो, तो इलेक्ट्रॉन बनता है लेफ्टॉन से, लेफ्टॉन बनता है कॉर्क से, कॉर्क बनता है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग बनता है एक तरह की प्लाज्मा एनर्जी से, ये प्लाज्मा एनर्जी बनती है पूरी की पूरी क्वांटम प्लेटिंग से, जिसे क्वांटम फोम भी कहते हैं बहुत से लोग, कि ये क्वांटम फोम की जो पूरी की पूरी एक चादर है, एक जुड़ाव है इस ब्रह्मांड का एक दूसरे के साथ। उसमें जब अंदर के अंदर छोटे छोटे घर्षण होते हैं, उससे जो गामा रेडिएशन बनते हैं, उस गामा रेडिएशन से स्ट्रिंग बनता है, स्ट्रिंग से कॉर्क बनता है। कॉर्क के भी हमें 6 प्रकार पता थे, अब हमें 9 प्रकार पता है। इन कॉर्क की रचनाओं से इलेक्ट्रॉन बनता है, प्रोटॉन बनता है या न्यूट्रॉन बनता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो चाहे इसकी कहो या उसकी कहो, ज्योतिष शास्त्र बबलू प्रूव्ड है। हम कल बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के भीतर में। हम ये तो हमने ऊपर से बात की, ये तो हमने आसपास से देखा ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान के रूप में, कि विज्ञान इसे किस तरह से देखता है और किस तरह से इसे प्रूव किया जाए। अब हम थोड़ा सा कल इसे अंदर से देखेंगे कि किस तरह से ज्योतिष शास्त्र के अंदर की जो गतिविधियां है वो काम करती है। उसमें जेमस्टोन्स है, उसमें तुम्हारे मंत्र है, उसमें तुम्हारे जो भी जो बताया जाता है कि पूजा विधि है, उसमें तिलक है, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें बताई जाती है ज्योतिष शास्त्र में करने जैसी, इसके हिसाब से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो भेज सकते, तो हम उसको कल उसका वाइंड अप करेंगे जितना भी हो सकता है, ठीक है। और इस चीज़ को बराबर से समझ लेना बाहर की चीज़ों को। ये जो मैंने आखिरी में कहा विज्ञान के तौर पर, उतना भी अगर तुम थोड़ा सा सर्च कर लो, और कोई अगर बड़ा खुद को ये कहने वाला कि नहीं नहीं ज्योतिष शास्त्र काम नहीं करता, तो उसको ये 4-5 थ्योरीज बता देना, वो समझ जाएगा।